नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना नूरुल रहमान बरकती ने केंद्र सरकार के कानून को न मानने की खुली धमकी दी है। मौलाना बरकती ने कहा है कि वो अपनी गाड़ी से लाल बत्ती नहीं हटाएंगे। मौलाना का कहना है कि उन्हें ब्रिटिश सरकार ने लाल बत्ती लगाने की इजाजत दी है और इस देश में अभी भी ब्रिटिश वक्त का कानून ही चलता है, इसलिए वो लाल बत्ती नहीं हटाएंगे। मौलाना बरकती का बयान यही नहीं रुका, उन्होंने देश में जिहाद छेड़ने की खुली धमकी दे दी, साथ ही पाकिस्तान के साथ जाने का भी ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी के नजदीकी माने जाने वाले बरकती ने ममता के लिए भी अपशब्द कहे। सवाल ये कि खुलेआम देश के कानून को न मानने की बात कहने वाले मौलाना बरकती की गिरफ्तारी कब होगी? देश के प्रधानमंत्री को धमकी देने वाले मौलाना बरकती सलाखों के पीछे कब जाएंगे? जिहाद छेड़ने का ऐलान करने वाले बरकती पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? ये एक्शन कब होगा? आपको बरकती की धमकी, चैलेंज, तौहीन और मजाक उड़ाने वाला बयान सुनाते हैं और सवाल ये है कि ऐसे बयान के बाद भी बरकती पर अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? अगर हिंदू राष्ट्र होने के माने कि अगर इस नमाजें बंद हुई, अजान बंद हुई, कुरान बंद हुआ, शरीयत पर खत्म किया गया, देन जिहाद विल बी स्टार्ट। तो क्या हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि नमाज को बंद किया जाएगा? बिकॉज उसकी वजह है ऑन अकाउंट कि अगर आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे, पहला सवाल तो ये, क्यों नहीं ये मुस्लिम राष्ट्र बने, क्यों नहीं 25-30 करोड़ मुसलमान है, हमको पाकिस्तान दिया जाए, इफ हमें पाकिस्तान दिया जाए हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। नहीं, ये इसको अगर आप वाजे करते हैं कि जिहाद, तब क्या होगा? जिहाद विल बी कॉल्ड इफ इंडिया बिकम्स हिंदू नेशन। ये स्टेटमेंट क्या है जरा? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हिंदू नेशन के माने ये होता है कि अगर आपने इसको मुकम्मल बना दिया है हिंदू राष्ट्र और आपने कहा अब यहाँ कुछ नहीं चलेगा, जैसे गाय का गोश्त नहीं चल रही है, अब यहाँ नमाज नहीं चलेगी, अब यहाँ अजान आप उतारिए, मैक उतारिए, आप यहाँ कुरान को खत्म कीजिए, तो फिर और क्या करेंगे? आपको तो छोड़ेंगे नहीं हम, आप हमको नहीं छोड़िएगा और हम मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिहाद में तो खलास कर दिया जाएगा, कोई कहानी नहीं है, वो तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, और जिहाद तो हम लोग कर ही रहे हैं, हमारा जिहाद तो 100 साल से चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ किसी की लाल बत्ती बन नहीं हुई, और लाल बत्ती काहे बन हुई? ये तो सेंटर का रूल है, सेंटर का रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा करें ये बेकार की बात है और हमको इसका जवाब भी नहीं देना है। अभी प्लेन की लाल बत्ती जल रही है, बंद कर दी जाए तो आप क्या इस रूल से बाहर? अच्छा, एक बात सुनिए, हम एकदम अपने आप को बाहर समझते, हम हिंदुस्तान के गलत कानून को नहीं मानेंगे, सही कानून को मानते हैं। हम सब देख चुके हैं दुनिया में अभी नया नया चोचला, इसको बोलते हैं चोचला, कि हम अभी आ गए, अब हम लाल बत्ती का जो इस्तेमाल है इसको मना किया है। हाय भाई, इससे क्या तकलीफ हो रही है? खुन, तो ये लाल खून बहाइए, लाल खून बहाइए, ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करते रहे? अरे भाई, कौन कर रहा? सभी तो कर रहा है। तरजीबी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अरे वो तो कुछ नहीं करती, नहीं करती है, वो मिनिस्टर्स को भी नहीं अलाउ, वो मूली और ये खाती है, कल्चर को पूरी, मेरी बात सुनिए, एंड की है तो आप क्यों? सुनिए, ममता बनर्जी जवानी में सब खाई है, सबसे मुराद समझा, तुम्हारे टीवी पे बोल रहे हैं, झूठ जात नहीं है, माशाल्लाह खसी का बिरयानी भी खाई है,